मध्य प्रदेश में एक और वयस्क बाघ मारा गया है। खेत में फैलाए गए करंट से इस नर बाघ की मौत हुई है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी दक्षिण सामान्य वनमंडल के खवासा परिक्षेत्र अंतर्गत एक वयस्क नर बाघ का शव मिला, जिसकी मौत खेत में फैलाए गए बिजली के तार की चपेट में आने से हुई है। पोस्टमार्टम के बाद वन अधिकारियों ने इस मामले का खुलासा किया। मिथिलेश भलावी ने खेत में लगी फसल की सुरक्षा के लिए बिजली के तार बिछाए थे, जिसकी चपेट में आने से नर बाघ की मौत हो गई। बाद में आरोपी ने अन्य साथियों की मदद से मृत नर बाघ के शव को पाटन बीट के पिंडरई में ले जाकर फेंक दिया। इस मामले में वन विभाग ने आरोपी मिथिलेश भलावी को गिरफ्तार किया है। करंट की चपेट में आकर मृत हुए बाघ की उम्र करीब 3 साल के आसपास बताई गई है। एक पखवाड़े के भीतर जिले में 2 बाघों का शिकार हो गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।